एक दिन मेरे मॉम डैड किसी काम से घर से बाहर गए थे और घर पे मैं और मेरा छोटा भाई अकेले थे। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा छोटा भाई काफ़ी डरा डरा सा था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि आखिर वो इतना डरा डरा सा क्यों है। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन फिर उसने धीरे से मुझे एक ड्राइंग दिखाई। मैंने उस ड्राइंग को अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा। मेरे छोटे भाई ने एक अजीब सी ही ड्राइंग बनाई थी। उसमें एक बहुत ही अजीब सा डार्क फिगर था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। ऐसा लग रहा था उन आंखों में खून भरा हो। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसी ड्राइंग बनाई क्यों, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसने ज़रूर कोई हॉरर मूवी या फिर यूट्यूब पर कोई हॉरर वीडियो देख ली होगी। वह उस समय काफ़ी छोटा था तो ये सब चीज़ें उसके लिए ठीक नहीं थी। मैंने उसे डांटा और उसे कहा कि तुम ये सब मत देखा करो, इस वजह से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है। वो उस समय सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, इस वजह से मुझे उसकी काफ़ी चिंता थी। वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया और फिर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मुझे उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था, इसलिए मैं उसके रूम में गया और नीचे बैठ के उसे सॉरी कहने लगा। तब वो मुझसे कहने लगा कि वो राक्षस उसके बेड के नीचे है। मैंने उसके सेटिस्फेक्शन के लिए बेड चेक कर लिया, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। मैंने उसको प्यार से समझाया कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम आराम से सो जाओ, बेड के नीचे कोई भी नहीं है। भैया, बेड के नीचे कोई इसलिए नहीं है क्योंकि वो अभी आपके पीछे खड़ा है।